हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 यूनिट, जिसका चैप्टर होगा 15, यानी इमर्जेंस ऑफ गांधी। इस चैप्टर में गांधी जी, यानी कि इस चैप्टर में क्या, ये जो टाइम रहता है जिसकी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस समय गांधी जी वापस आ जाते हैं इंडिया में साउथ अफ्रीका से। उसके बाद किस तरीके से पोलिटिकल डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हमने देखा था जो स्वदेशी मूवमेंट था वो 1908 के बाद डिक्लाइन करने लगा। उसके बाद फिर 7 से लेके 17 तक, यानी कि 1907 से लेके 1970 तक, 1907 से लेके 1917 तक के बीच में कुछ आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उसी बीच में आपको फिर होम रूल लेकर जो मूवमेंट था वो चल रहा था, तो उसी बीच में ये सारा प्रोसेस भी चल रहा था। उसी बीच में आप देखेंगे ना 1915 और 16 में, ये करीब जो होम रूल रूल लीग मूवमेंट वाला टाइम था, इस उसके जो बैकग्राउंड था उसके बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी। महात्मा गांधी इंडिया में आ चुके थे और किस तरीके से पोलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था हम वो देखेंगे। तो क्या रीजंस थे दोबारा नेशनलिस्ट के रिसर्ज होने की, यानी कि दोबारा नेशनलिस्ट जो थे, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, वो दोबारा क्यों लाइमलाइट में आए, यानी कि अब फ्रंट में आए कि अब हमें मूवमेंट करना है। इसका कुछ रीजन था। पहला रीजन था वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कंट्री की काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। हमने मेन के फॉर्म में या फिर मनी के फॉर्म में, हमने दोनों फॉर्म में ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ के लोग जो सोल्जर थे वो गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। हमारे यहाँ से पैसे भी भेजे जाते थे, सामान भेजे जाते थे, चाहे वो फूड आर्टिकल्स हो, ठीक है। तो हमने हर तरीके से ब्रिटेन को सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री कि अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में प्राइसेस बढ़ गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन थे, ये ब्रिटेन वाले लोग थे। अब उन्होंने कहा कि हम इंडिया में करेंगे इन्वेस्ट, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जो इम्पोर्ट्स आते हैं इम्पोर्ट्स, सस्ते इम्पोर्ट्स की वजह से सामान सस्ता हो जाता है। तो अगर हमारे सामान सस्ते बिकेंगे तो फिर हमें फ़ायदा क्या होगा, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से अब जो वर्कर्स एंड आर्टिशंस थे, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, फिर वही प्राइसेस राइज होने लगी। पेजेंट्री यानी जो किसान थे, इनको हाई टैक्सेस देना पड़ता था, जिसकी वजह से और पावर्टी आपको देखने को मिलेगी। सोल्जर्स जो थे, आखिर सोल्जर्स कौन थे जो ब्रिटिश आर्मी में लड़ते थे, इंडियन सोल्जर्स, वो कौन थे, वो मेनली किसान ही थे। इंडिया में बेसिकली जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, वो था एग्रीकल्चर। तो ये जो सोल्जर्स थे ये मेनली किसान ही थे। एक टाइम पे आके किसान का काम करते थे और वहीं दूसरे टाइम पर आर्मी में सोल्जर का काम करते थे। तो जब ये वर्ल्ड वार से लौट के वापस आए इंडिया में, तब इन्होंने देखा कि जितना हम पावर्टी या फिर गरीबी ये सब चीज़ें हम छोड़ के गए हैं, उनसे ज़्यादा बदतर स्थिति और हो गई है, ठीक है। सरप्राइज टू रिटर्न टू अ कंट्री दैट वॉज इम्प्रोविस्ड एंड हैड लेस लिबर्टी देन बिफोर, यानी कि जितना लिबर्टी पहले था, जितनी आप कह लें कि सिचुएशन ठीक ठाक थी पहले, जब ये वार से लौट के आए तो सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। वहीं एजुकेटेड हम अर्बन क्लास की बात करें, जो पढ़ा लिखा क्लास था, इनके पास भी अनएम्प्लॉयमेंट था। और वहीं आपको रेसिज्म भी फॉल इनको देखना पड़ता था जॉब में, अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी उसमें। तो ये सिचुएशन जो थी, खास करके इकोनॉमिक हार्डशिप जो सिचुएशन थी वर्ल्ड वार के बाद, इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन वार, हमने वार में कोऑपरेट किया ब्रिटेन का, क्यों, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि हमें कुछ अच्छा उसके एवज में ब्रिटेन की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने इसलिए पहले की जो कक्षाएं मतलब लेक्चर थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो मॉडरेट्स ने इसमें सपोर्ट क्यों किया, उनका कहना था कि इट इज़ आवर ड्यूटी, यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम भाई जिनके अंडर में हैं उनकी हम मदद करें। तो उन्होंने अपनी कर्तव्य की वजह से सपोर्ट किया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे तिलक वगैरह, इनका कहना था कि हमें भाई स्वराज चाहिए, अगर हम सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को तो हो सकता है कि हमारी लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस से वो खुश होकर हमें स्वराज दे दें। तो इन दोनों लोगों ने अलग अलग रीजन की वजह से सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन सपोर्ट करने के बाद मिला क्या, 1919 का
जो आप रिफॉर्म देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म देखेंगे, या फिर जिसको मल्टीपल चांस फॉर रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्या इनको सिर्फ गवर्नमेंट मिला, कुछ नहीं मिला, उसमें भी आपको देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया गया। खास करके ये तो 1909 में ही आ गया था मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन 1999 में उसको और ब्रॉड कर दिया गया और भी अलग अलग सेक्शंस के लिए, जैसे एंग्लो इंडियंस के लिए, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी ये इसको बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं फिर तो बात वही थी कि इंडिया को डिवाइड करने की बात की गई थी, डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन, तो इससे कुछ मिला नहीं इनको कोऑपरेशन करने से। वार नेशनलिस्ट डिल्यूशनमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। अब क्या था, ये देखेंगे कि जो एलाइड पावर्स थी, इनको लड़ने के लिए, दूसरे से लड़ने के लिए इनको कॉलोनीज की मदद चाहिए थी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटेन को भी मदद चाहिए थी इंडिया से, तो ऐसी जो पावर्स थी उन्होंने अपने अपनी कॉलोनीज को कहा कि हम वार के बाद आपको डेमोक्रेसी आपके अंदर लाएंगे, ठीक है, और जो भी अच्छे अच्छे रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने होंगे वो हम करेंगे। इन्होंने अपने अपने कॉलोनीज से वादे किए, लेकिन वार खत्म होने के बाद क्या मिला, वार खत्म होने के बाद कुछ ट्रीटीज आप देखेंगे, जैसे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कुछ ट्रीटीज होती है। इनसे इन ट्रीटीज ये देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी कॉलोनीज पर अपना होल्ड और मजबूत कर लिया। जैसे इन्होंने पहले कहा था कि वार के बाद हम डेमोक्रेसी लाएंगे, हम आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं मिला। इन ट्रीटीज के अंतर्गत इन्होंने अपने कॉलोनीज पर और अपने जो सिकंजे थे, अपना कंट्रोल जो था उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है, एंड इरोड द माइथ ऑफ कल्चर एंड मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ वाइट्स। वाइट्स मतलब ब्रिटेन के लोग, उन्हीं को वाइट्स कहा जाता था, ठीक है। तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, चाहे मिलिट्री के फॉर्म में या कल्चरल फॉर्म में, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट, आपको वर्ल्ड में बहुत सारे जगह पे आपको मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, खास करके जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी मिलिटेंट वाली, तो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। हमें ये पता है कि 1917 तक ये चला था, फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो फेस आता है मिलिटेंट एक्टिविटीज का, उसमें भी ये शुरू हुआ, और खास करके गांधी जी वाला जो टाइम था 1919 के बाद, जब इन्होंने काम स्टार्ट किया पॉलिटिकली एक्टिव होके, ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ टर्की, इजिप्ट, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, आयरलैंड, लगभग हर जगह इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई, ठीक है। चौथा रीजन क्या था, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे जो जार रिजाइन था, यानी कि जार जो किंगडम था वहां पर, इसको उखाड़ फेंका गया, किसके द्वारा, जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे। एक्चुअली ये बोल्शेविक पार्टी जो थी ये वर्कर्स की पार्टी थी, इन्होंने जार रिजाइन को उखाड़ फेंका। तो इससे क्या हुआ, एक मैसेज मिला, इससे मैसेज ये मिला कि अगर लोगों का सपोर्ट हो, यानी कि मास सपोर्ट हो, और कोई भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल तरीके से किया जाए, तो हम कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो उसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यही मैसेज मिले इससे, इमेंस पावर ले विद पीपल वर कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग अ ह्यूज रिजाइन, जैसा कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये चार तरीके के रीजंस थे जिसकी वजह से आपको अगेन ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये आपको रिसर्च होते हुए मिलेगा। इसके बाद देखेंगे मॉन्टेगु चांस फॉर रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इसके एक्ट के जो प्रोविजन है आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पर भी मौजूद है, आपकी पॉलिटिक जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें भी मौजूद है, और ये जो आपकी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, इसमें भी मौजूद है, ठीक है। उन प्रोविजंस को यहाँ पर बताने का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें समझाने लग कुछ नहीं है, आप उनको पढ़िएगा। मेनली हमें एनालिसिस देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो एक्ट था इसके ड्रॉबैक क्या थे, पहले आप उस एक्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और होप अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो हम बैकग्राउंड देखते हैं, ये किस तरीके से ड्रॉबैक देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कुछ कमियां रहीं। पहला, फ्रेंचाइज जो था ये लिमिटेड था, ओके, कैसे, करीब 1.5 मिलियन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन करीब 260 मिलियन की पॉपुलेशन थी, और वो भी ये जो फ्रेंचाइजी यानी कि वोट देने का जो अधिकार था ये एजुकेशन
और प्रॉपर्टी या फिर जो टैक्स दे सकते हैं, ये मेनली उनके बेसिस पर उन लोगों को ये मिला हुआ था जिनके पास एजुकेशन है, या फिर जो वेल्दी पीपल हैं, या फिर जो टैक्स दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं तरीके के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। तो फ्रेंचाइजी जो था ये काफी लिमिटेड था। सेंटर पर जो लेजिस्लेचर था हैड नो कंट्रोल ऑफ वॉइस और एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेंट्रल, अब एक सेंटर था और एक प्रोविंस, तो सेंटर के लेवल पे जो लेजिस्लेचर था उसका कोई कंट्रोल नहीं था वॉइसराय और वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी एट द सेंटर। सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड किया गया था, ठीक है। जैसे आप देखेंगे उसमें एक जो रिजर्व कैटेगरी होती थी जिसपे क्या होता था कि गवर्नर गवर्नर हो या फिर प्रोविंस लेवल पर गवर्नर हो या फिर सेंट्रल लेवल पर वॉइसराय हो, वो वीटो कर सकता था, वो उनको रोक सकता था, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर टू प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। अब जैसे अभी के फॉर्म में क्या होता है, जो राज्यसभा होती है वहां पर सीटें एलोकेट रहती है, सीटों को जो सीट्स होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है, तो किस बेसिस पे होता है। फिलहाल अभी राज्य की जो जनसंख्या होती है उसके बेसिस पर सीट को एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसके टाइम पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करता था उसमें जो सीटें हुआ करती थी, अब उसमें लोग चुन के कहाँ से आते थे, प्रोविंस लेजिस्लेचर से चुन के आते थे, तो किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रोविंस से कितने लोग चुन के आएंगे, ये डिसाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रोविंस। अब जैसे बंगाल था, बंगाल का कमर्शियल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था इसलिए यहाँ से ज़्यादा लोग चुन के आएंगे, पंजाब से मिलिट्री इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था वहाँ से ज़्यादा लोग चुन के आएंगे, बिहार से ज़्यादा कुछ फायदा नहीं था तो कम लोग चुन के आएंगे, या फिर उसी तरीके से जैसे हिमाचल उत्तराखंड या फिर जो साउथ की स्टेट्स हुए इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था तो यहाँ से कम लोग चुन के आएंगे, ठीक है। तो मेनली इम्पोर्टेंस के बेसिस पर लोगों को चुना जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से सेंट्रल लेजिस्लेचर में। एट प्रोविंसेस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, प्रोविंस के लेवल पर भी सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको तीन पार्ट में भी डिवाइड किया गया, एक जो हम जो कहते हैं ना सेंट्रल स्टेट या फिर सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, या फिर कंक्रेंट लिस्ट, इन तीन पार्ट में भी डिवाइड किया गया था, लेकिन डिवीजन का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही बनाया हुआ था कि सबका कंट्रोल उन्हीं को करना था। अब उनको वीटो का अधिकार है, वीटो का अधिकार मतलब वो जिसको चाहे वो लॉ को रोक सकते हैं या लॉ को बना सकते हैं, तो फिर तो ऑटोनॉमी के मतलब ही नहीं हुई जब आपके पास अल्टीमेट वीटो मिल ही गया तो, ठीक है। द प्रोविंशियल मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर फाइनेंस, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी इसमें जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनके फाइनेंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, जिसके वजह से आप देखेंगे इन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में हमेशा फ्रिक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो 1919 का रिफॉर्म था ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी की थी कि बस चुप रहिए। अब हमने पहली जो लेक्चर्स तुम्हें पढ़ चुके हैं कि मॉन्टेग्यू ने 1917 के अगस्त में ही अपना स्टेटमेंट लाया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने वाले हैं 1919 में, तो दो साल पहले से ही उन्होंने कह दिया था, तो पहले ही से कह दिया कि ठीक है चुप रहो दिस इज कैरेट, ठीक है, दिस इज कैरेट, ये रिफॉर्म क्या था, ये कैरेट है, हम कैरेट लाने वाले हैं, अब चुप रहिए। तो इसकी वजह से लोग चुप हो गए, तो आप उसी का वजह था कि हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में कि जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो डिक्लाइन क्यों किया, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, ये रिफॉर्म जो था ये कैरेट था, दिखा गया कहा गया कि हम आपको कैरेट देने वाले हैं, गाजर देने वाले हैं, ये रिफॉर्म देने वाले हैं, आप लोग चुप रहिए, तो उसके डिक्लाइन होने का ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो एक एनालिसिस टाइप का था, आप देख लीजिएगा जो इसमें प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिर। चलिए जो रिफॉर्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इसका इसके लिए रिएक्शन क्या हुआ कांग्रेस का ये भी देखते हैं। अगस्त 1918 में एक सेशन हुआ कांग्रेस का जो बॉम्बे में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन में, उनका नाम था हसन इमाम। इन्होंने इस सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि रिफॉर्म वर डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी,
यानी कि जितना हम जैसा हम चाहते थे वैसा हमें नहीं मिला, हमने स्वराज की मांग की थी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो ये एक रिएक्शन था, और रिएक्शन बस एक मॉडरेट रिएक्शन था। ओके, अब देखते हैं गांधी जी के बारे में। हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया और किस तरीके से ही इंडिया में इनका अराइवल होता है और इंडिया में किस तरीके से चलता है। तो इंडिया में जो अराइवल इनका होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होगा हम इसमें साउथ अफ्रीका में किस तरीके से काम करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में। पोरबंदर जो था ये काठियावाड़ एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था गुजरात में। इस काठियावाड़ में पोरबंदर नाम के जगह पर इनका ये बॉर्न हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। 1898 में ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं एक केस के मामले में। जो इनके क्लाइंट थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला का एक केस था साउथ अफ्रीका में, उसी को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। करीबी एक साल के लिए गए थे लेकिन वहां पे रह जाते हैं कई सालों तक, और फाइनली 1914 में इंडिया लौटते हैं। ठीक है, तो अब साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं कुछ। साउथ अफ्रीका में तीन तरीके के इंडियंस रहते थे, ठीक है, इंडियंस मतलब इंडियंस थे लेकिन वो तीन तरीके से गए हुए थे, उनकी कैटेगरी तीन तरीके की थी। एक कैटेगरी जो थी इंडियंस की वो थे इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर किसे कहते हैं? इंडेंचर्ड लेबर वो थे जिनसे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था कि आप चलिए वहां पर काम करना है। इंडिया से ले जाया जाता था उनको साउथ अफ्रीका में कि साउथ अफ्रीका में काम करना है आपको और इतने दिन तक आपको काम करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ करता था। तो इनको कहते थे इंडेंचर्ड लेबरर्स। एक क्लास ये था, ठीक है, जो मेनली आप देखेंगे कि आफ्टर 1890 के बाद ये गए थे वहां के शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप था, ये इंडियन मर्चेंट्स थे जो इन लेबर्स को फॉलो करते हुए इनके पीछे पीछे चले गए। ये क्यों गए इनके पीछे पीछे? अब ये गए कि वहां पे भाई शुगर प्लांटेशन में काम करना है, शुगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम बिजनेस करेंगे, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, हम बेचेंगे तो हम पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये मर्चेंट्स लोग थे जिन्होंने इन लेबरर्स को फॉलो करके वहां तक ये गए थे, तो ये दूसरी कैटेगरी थी। एक तीसरी कैटेगरी थी जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे, वो इंडेंचर्ड लेबर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था लेकिन अभी भी वो अपनी विद फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे, ठीक है। तो ये तीन तरीके के इंडियंस थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। नो डाउट अंग्रेजों का बिहेवियर क्या होगा ये आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिसिज्म, ठीक है, डिसेबिलिटीज, और कुछ भी आप कह लीजिए जो वर्स्ट वर्ड्स होते हैं ये ब्रिटिश का बिहेवियर होगा वहां पे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर इन सब सिचुएशंस को देखते हुए, लोगों की सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया। अब इनकी सिचुएशन ऐसी थी इंडियंस की कि इनको रात में 9 बजे के बाद अपने घर से निकलना अलाउ नहीं था। ये पब्लिक फुटपाथ्स का यूज नहीं कर सकते थे, पब्लिक प्लेसेस का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, बहुत सी चीजें थी। इसके बाद देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर चलता है। यहाँ पर मूवमेंट का दो फेस होता है, गांधी जी के मूवमेंट का दो फेस है। एक फेस जो पहला फेस होता है जो इंडिया में मॉडरेट्स अपनाते थे, ठीक है, यानी कि मॉडरेट फेस ऑफ स्ट्रगल। तो इंडिया में मॉडरेट्स किस तरीके से मूवमेंट करते थे? लेटर्स भेजना, प्रोपेगेंडा, पंपलेट्स, ठीक है, प्रे करना, पिटिशंस भेजना, इनका काम था। तो उसी तरीके से ये जो पहला फेस था जिसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, जो करीब 1894 से लेकर 1906 तक चला, सेंडिंग पिटिशंस, मेमोरीज, ठीक है। तो और साथ ही साथ इन्होंने एक नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की वहां पर, ताकि जो डिफरेंट क्लास के लोग हैं, इंडियंस, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन के इंडियंस हैं उनको यूनाइट किया जा सके, इसके लिए वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। साथ साथ एक पेपर भी चलाते थे, न्यूज पेपर, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। लेकिन अगेन जैसे इंडिया में हुआ, पिटिशन प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला है, इनको भी कुछ इस फेस में नहीं मिला। इसके बाद जो दूसरा फेस था इसमें इन्होंने स्टार्ट किया पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, जिसको गांधी जी की लैंग्वेज में सत्याग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पैसिव रेसिस्टेंस की जगह पे सत्याग्रह आए या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आए, ये तीनों के तीनों सेम चीज है,
ठीक है, तो गांधी जी के लैंग्वेज में इसको कहा जाता था सत्याग्रह। तो ये चला आपको बाकी के जो टाइम बचे थे यानी 16 से 14 तक, जब तक ये इंडिया में नहीं आ गया। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बने हुए थे इंडियंस के लिए, उन सभी के खिलाफ यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। पहला जो था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता था यानी कि इस लाइक पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड इंडियंस का, उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स हुआ करते थे। तो उनमें नियम ये था कि इंडियंस जहां भी जाएंगे, जब भी बाहर निकलेंगे, तो उनको अपने साथ वो सर्टिफिकेट रखना पड़ता था। ठीक है, तो अब इसके खिलाफ गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे मूवीज कभी देखे होंगे तो उसमें अब दिखाया गया होगा कि गांधी जी पेपर जलाते हैं, वो जो सर्टिफिकेट था उसको वो जलाते थे लोगों के साथ मिलके, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके सामने। मूवीज वगैरह हैं जिनमें ये सब दिखाई गई है। तो वो क्या था, वो यही था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को वो लोग जलाते थे। मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गांधी जी को जेल भेजा गया और भी लोगों को जेल भेजा गया साथ साथ में, लेकिन फाइनली आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। फिर कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, इंडियंस जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते थे विदाउट ऑर्डर के, ठीक है, या विदाउट परमिशन के। तो इसके खिलाफ भी फिर अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, पोल टैक्स ये लगाया जाता था जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे, एक्स यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और वो रह रहे थे, उन पे लगाया जाता था पोल टैक्स। ये 3 पाउंड का होता था, एक तो इनकम ज्यादा होती नहीं, उस पर भी 3 पाउंड का टैक्स लगा रहे हैं। साथ ही साथ वहां का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने जो इंडियन मैरिजेस थी उसको इनवैलिडेट कर दिया, यानी कि इनवैलिड या इलीगल, ठीक है। क्यों, उन्होंने कहा कि जो शादियां, जो मैरिजेस क्रिश्चियन रिचुअल्स यानी क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार नहीं हुए हैं और जो रजिस्ट्रार के पास उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वैसी शादियां जो होंगी वो आज से इलीगल होगी, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब क्रिश्चियन को छोड़ के जितने भी थे, हिंदू मुस्लिम पारसी सिख, सारी की सारी शादियां इलीगल होगी। साथ ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके चिल्ड्रन जो होंगे वो भी इलीगल हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था जो विमेन के प्रेस्टीज को लेके काफ़ी इशू था वहाँ पर। इसकी वजह से काफ़ी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो मिल में काम करने वाले लोग थे, शुगर जो ये प्लांटेशन पर काम करने वाले लोग थे, सभी लोगों ने एक साथ यहाँ पर स्ट्राइक किया और मूवमेंट किया, ठीक है। अगेन सभी लोग जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो प्रोटेस्ट अगेन ट्रांसवाल इमाइग्रेशन एक्ट, ट्रांसवाल भी एक जगह है वहाँ पर जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी, उसको तोड़ा गया, इलीगल माइग्रेशन हुआ फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल, ठीक है। बाद में फाइनली यही हुआ कि गांधी जी लॉर्ड हार्डिंग जो इंडिया में थे, सीएफ एंड्रयूज और जनरल स्मार्ट्स, इन सभी के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों में रिफॉर्म लाया जाता है और इनको लिबरल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा काम था, जो मेन काम था ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किया। अब इसमें देखेंगे हम कि ये जो सारे काम थे और जो महात्मा ने गांधी जी ने किए, इनका एनालिसिस क्या होगा, पॉजिटिव क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, या फिर किस तरीके से वो मदद करेंगे हमारे फ्यूचर रिवोल्यूशंस के लिए। देखते हैं गांधी जी को कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए साउथ अफ्रीका में। मासेड हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन एंड सेक्रीफाइस फॉर अ काउज दैट मूव देम, यानी कि मासेज जो होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी होती है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की और मूवमेंट के लिए सेक्रीफाइस करने की, ठीक है। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, ही रियलाइज दैट एट टाइम्स, इन्होंने अब देखा कि अगर लीडरशिप मौजूद मतलब अच्छा हो और अच्छे तरीके से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए तो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को भी यूनाइट किया जा सकता है, चाहे वो डिफरेंट सेक्शन के ही क्यों ना हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे जो इंडियंस थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कास्ट से बिलोंग करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ये सब थे, और हिंदू मुस्लिम में और इन सब में भी रिलीजन के अंदर भी कई सारे कास्ट होते हैं, महिलाएं थी पुरुष थे, इन सबको इन्होंने यूनाइट किया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा ये भी कि कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब आपको लीग से हट के डिसीजन लेना पड़ता है, यानी उस मूवमेंट से
हट के आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ही वो ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह ट्रूथ। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अब इनके क्या क्या टेक्निक्स है सत्याग्रह के, ये तो पहली चीज किस पे बेसिस था, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इनका कहना था कि जो सत्याग्रही है उसे हमेशा ट्रूथफुल रहना होगा, सत्य बोलना होगा और सत्य का आचरण भी इस तरीके से करना होगा। नॉन वायलेंट होगा, उसको हिंसा नहीं करने वाली करना नहीं होगा, और वो फियरलेस होगा, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। कोई वीक या फिर कवार्ड यानी कि कमजोर या फिर कायर इंसान सत्याग्रही नहीं बन सकता। सत्याग्रही बनने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को, और वो साहसी होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। कोई वीक और कवार्ड इंसान सत्याग्रही नहीं बन सकता। और इन्होंने ये भी कहा कि जो वायलेंस होता है ये कवार्डनेस का प्रतीक है या संकेत है। अगर आप हिंसा करते हैं दैट्स मीन्स यू आर कवार्ड, ठीक है। सत्याग्रही वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विथड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन एंड बायकॉट, ठीक है। बायकॉट मतलब समझते हैं, कोऑपरेशन मतलब ये आप समझते हैं सहयोग करना, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन मतलब हम कोऑपरेशन को वापस लेंगे, यानी गवर्नमेंट के साथ जो हम कोऑपरेट करते थे अब आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम अब आपको हम बैकआउट करेंगे, ठीक है। तो मेथड्स क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिक्लाइनिंग ऑनर एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। मतलब सत्याग्रही ये जो सत्याग्रह था इसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और जो अथॉरिटी है उनके ऑनर को डिक्लाइन करना, ठीक है, उनके प्रेसिस को डिक्लाइन करना, उनकी अथॉरिटी या फिर जो पोजीशन है उनको डिक्लाइन करना। असत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है। और सत्याग्रही को हमेशा यह तैयार रहना पड़ेगा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने के लिए, ठीक है। और अगर कोई रॉन्ग डूअर है यानी कि जो गलत काम करने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है तो हमें उसकी प्रतिहीन भावना रखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हैव नो इल फीलिंग फॉर द रॉन्ग डूइंग, भले आप उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर उसके खिलाफ कोई हीन भावना या फिर बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओनली ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग पीपल कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह, तो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसमें मेनली हमने देखा कि गांधी जी का इवोल्यूशन कैसे होता है, साउथ अफ्रीका में किस तरीके से काम हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी इंडिया में आते हैं और फिर इंडिया में किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।